दोस्तों शाम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दुनिया में ऐसे बहुत से खेल हैं जिनको समझना जरा मुश्किल है और ये अजीबोगरीब खेल दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में खेले जाते हैं और आज मैं आपको ऐसे ही 5 खेलों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, बीवी को उठाना दरअसल ऐसा ही है जैसा कि लगता है। बीवियों को ऑब्स्टेकल कोर्स जिसमें पानी, रेत और बाढ़ शामिल है के जरिए ले जाने वाले मर्द हैं। ऑब्स्टेकल कोर्स के जरिए तेज तरीन वक्त पे पहुंचने वाली पहली टीम जीत जाती है। दोस्तों फिनलैंड में ये खेल 19वीं सदी में शुरू हुआ था। बीवी को उठाने का पहला इवेंट फिनलैंड के शहर सोन काजारुई में 1992 में मौजूद हुआ। बीवी को उठाना एक मुकाबला है जिसमें मेल कंपेटिटर दौड़ते हैं जबकि हर एक खातून साथी को उठाकर लेके जाना होता है। इसका मकसद ये है कि मर्द औरत को तेज तरीन वक्त में एक खास रुकावट के रास्ते से ले जाते हैं। दोस्तों इसमें कई किस्म की कैरी होती है जैसे कि क्लासिक पिगी बैग या फायरमैन या कंधों के ऊपर उठाना या एस्टोनियन स्टाइल यानी के बीवी को पीठ पर उल्टा अपनी टांगे गर्दन और कंधों पर रख लेना। पिछली 2 बार लगातार जीतने वाली जोड़े मिस्टर एंड मिसेस वाइटोटस किर्कलियाउस्का लिथुनिया से ताल्लुक रखने वाले हैं लेकिन इस बार ये जोड़ा सिल्वर मेडल तक ही रह गया। नंबर 2, सीपक टॉकरा। दोस्तों सीपक टॉकरा वेस्टर्न की अक्सरियत के लिए अजीब लग सकता है लेकिन ये दरअसल एशिया में से एक बेहद मकबूल खेल है और 15वीं सदी से जारी है। इसका तर्जुमा किकबॉल होता है लेकिन ये फुटबॉल की तरह कुछ भी नहीं है। वॉलीबॉल का ज्यादा दुरुस्त कंपैरिजन ठीक रहेगा क्योंकि कोर्ट को नेट से 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। दोनों टीमों को गेंद को ऊपर रखना होता है वरना दूसरी टीम को 1 पॉइंट मिल जाता है। ताहम वॉलीबॉल के बरक्स आपको हाथ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है और इसके बजाय आपको अपने पांव, घुटनों और ठोड़ी का इस्तेमाल करना होता है। किसी भी किस्म की रैली का निकलना तकरीबन नामुमकिन हो सकता है लेकिन आप स्किल लेवल और एथलेटिसिज्म को देखकर हैरान रह जाएंगे जो अक्सर गेम्स में दिखाई देती है। ये खेल बुनियादी तौर पर मलेशिया और थाईलैंड में खेला जाता है और एशियाई खेलों और जनूब मशरकी एशियाई खेलों में एक बाकायदा तकरीब है। और दोस्तों ये खेल डबल बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है जिसमें 1.52 मीटर ऊंचा जाल और हर तरफ 3 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम 3 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है, फीडर, सर्वर और किलर। नंबर 3, जॉर्बिंग। तैयार किए गए खेलों में से एक जॉर्बिंग इंतहाई अजीबोगरीब खेल है जो गुज़श्ता कुछ सालों में मकबूलियत में रहा है। ये देखना मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि हिस्सा लेना शानदार मजे की तरह लगता है और ये दिखने में भी मजाइया है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई कंपेटिटिव एलिमेंट शामिल नहीं है जो इसे खेल से ज्यादा रिक्रिएशनल एक्टिविटी बनाता है। इसमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना हुआ एक इन्फ्लेटेबल ऑर्ब्स के अंदर जाना शामिल होता है और फिर दोस्तों इस खिलाड़ी को पहाड़ी के किनारे से नीचे की तरफ फेंक दिया जाता है। और दोस्तों इसमें शॉक ऑब्जर्वर शामिल होते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि खिलाड़ी को कोई चोट नहीं लगेगी। ये लेवल सरफेस पर भी किया जा सकता है, खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों जॉर्बिंग की इब्तदा न्यूजीलैंड में हुई थी लेकिन अब इसे पूरी दुनिया में बहुत से तजारती मुकामात पर भी खेला जा सकता है। गैर इस्तेमाल शुदा ऑप्स 3 सवारों को ले जाता है जबकि इस्तेमाल शुदा बस 1 से 2 सवारों के लिए ही बनाए जाते हैं। दोस्तों 7 नवंबर 2006 में कीथ कॉल्वर ने ह्यूमन हैम्सर फॉरेस्ट में रिकॉर्ड कायम किया था जो न्यूजीलैंड के शहर रोटोरुआ में इसने घास की पहाड़ी को एक बहुत बड़े इन्फ्लेटेबल ऑब्स में लपेट लिया था। नंबर 4, चेस बॉक्सिंग। चेस बॉक्सिंग आमतौर पर 2 अलग किस्म के खेल होते हैं लेकिन एक शख्स के लिए इन दोनों को मिलाकर एक नया हाइब्रिड खेल तख्लीक करना एक शानदार ख्याल होगा और इस खेल को एक डच परफॉर्मेंस आर्टिस्ट लीप ड्यूबिंग ने इजाद किया था। पहला मुकाबला 2003 में बर्लिन में हुआ था लेकिन इसके बाद से ये मकबूलियत में रहा और दोस्तों अब ये जर्मनी, बर्तानिया, हिंदुस्तान और रूस में खेला जाता है और जिसमें हर साल बहुत बड़े मुकाबले होते हैं। चेस बॉक्सिंग फाइट 11 राउंड्स पर मुश्तमिल होता है जिनमें से 6 राउंड्स शतरंज और 6 राउंड बॉक्सिंग के होते हैं। हर एक राउंड 3 मिनट तक जारी रहता है। दोस्तों इस खेल में एक कंपेटिटर ने दूसरे कंपेटिटर को चेकमेट या नॉकआउट करना होता है और आमतौर पर जैसे जैसे लड़ाई होती है शतरंज का म्यार गिरता रहता है। नंबर 5, एक्सट्रीम आयरनिंग। दोस्तों अगली बार अगर आपको इस्त्री का एक बहुत बड़ा ढेर मिल जाए जिसका आप आसानी से सामना कर सकते हो तो आप एक्सट्रीम आयरनिंग में हिस्सा लेकर इसे जिंदा करना चाहेंगे। ये एक एक्सट्रीम खेल और एक परफॉर्मेंस आर्ट दोनों है जिसकी इब्तदा बर्तानिया में हुई लेकिन इस खेल पर एक डॉक्यूमेंट्री ने इसे दुनिया भर में मकबूल बनाने में काफी मदद की। अब इस खेल को पूरी दुनिया में खेला जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है ये लोग आयरनिंग बोर्ड को दूर दराज और एक्सट्रीम लोकेशंस पर ले जाते हैं जहां वो मुख्तलिफ कपड़ों को इस्त्री करते हैं। ये लोग पहाड़ के किनारे, स्नोबोर्डिंग के दौरान, पैराशूटिंग के दौरान या किसी और एक्सट्रीम सिचुएशन या मुकाम पर हो सकता है। एक्सट्रीम आयरनिंग ब्यूरो ने इसे जदीद तरीन खतरे वाले खेल के तौर पर बयान किया है और दोस्तों 2002 में पहली एक्सट्रीम आयरनिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई जिसमें 10 ममालिक ने भरपूर हिस्सा लिया था।
वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखना। अल्लाह हाफिज़।